मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौर चुनाव क्षेत्र में है, यहाँ से चुनाव मैदान में है और क्रिकेट के मैदान में भी अपना जौहर दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे और देखिए डिफेंड किया है, बेहतरीन डिफेंड किया है और बार बार बल्लेबाजों से कह रहे हैं कि बॉल फेंकिए, एक के बाद एक बॉल फेंकवा रहे हैं और उसपे अपनी जो क्रिकेट का कौशल है उसे दिखा रहे हैं। चुनावी तौर पे क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, कितने रन लगाएंगे 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भदौर विधानसभा क्षेत्र में और फिर स्टांस लेते हुए जो उनके समर्थक हैं यहाँ के लोग हैं उनको पिच से दूर करते हुए ताकि कोई आक्रामक शॉट ले सके। चरणजीत सिंह चन्नी को देखिए स्टांस लिया इन्होंने और बॉलर ने बॉल फेंकी और ये मिस किया, यहाँ मिस किया है और कह रहे हैं बॉलर को कि जोर लगा के फेंके। आप देख सकते हैं दूसरी बॉल के लिए तैयार और डिफेंड कर दिया, फुल टॉस बॉल थी और बेहतरीन क्रिकेट खेलते भी हैं, खुद क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी हैं और ये डिफेंड, चन्नी साहब डिफेंड कर रहे हैं। 5,000 रुपया नाम है, 6 बॉल चलो। ओह 5,000 का इनाम घोषित कर दिया, 5,000 का इनाम घोषित कर दिया। अगर आउट कर दिया किसी ने 6 बॉल पे तो 5,000 का इनाम घोषित कर दिया है। चुनावी मैदान और राजनीति के मैदान में तो अब तक सफल रहे हैं कांग्रेस के अंदर, पहले अमरिंदर सिंह को आउट किया, फिर नवजोत सिंह सिद्धू को आउट किया, एक बॉल हो गया आउट नहीं हुआ। 5 गेंदे बाकी हैं और ये बॉल वाइड, नसीब से कहेंगे दूसरी तरफ, नसीब से कहेंगे बॉलर को भी दिखाए जो बॉलर गेंद फेंक रहे हैं उनकी तरफ भी कैमरे को ले जाए और ये दूसरी गेंद और डिफेंड के मूड में मिस किया। आराम से खेल रहे हैं, संभल के खेल रहे हैं, आक्रामक नहीं है और चरणजीत सिंह चन्नी फिर एक बार स्टांस ले लिया है और डिफेंड किया, आउट नहीं होंगे, 5,000 का इनाम है। 2 गेंदे हो चुकी हैं, 3 गेंदे हो चुकी हैं, चौथी गेंद के लिए तैयार और ये वाइड, लास्ट बॉल है। 5,000 का इनाम लगता है किसी को नहीं मिल पाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर तैयार है 6 गेंद के लिए, 5 गेंद उन्होंने खुद कहा कि हो चुके और ये आउट नहीं हुए और अब एक बार फिर स्टांस लेते हुए शॉट लेने के मूड में और लास्ट बॉल, और बॉल बहुत बाहर चली गई सर, बेहतरीन। पंजाब की बरनाला विधानसभा सीट के भदौर विधानसभा सीट को चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनौती के बतौर चुना है और आज पहुंचे हैं अपने चुनाव क्षेत्र में, यहां से इनका मुकाबला आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों से है और चमकौर साहिब के अलावा मालवा क्षेत्र के इस भदौर विधानसभा क्षेत्र को चुनने का मकसद यह है कि एक संदेश दिया जाए मालवा क्षेत्र में, क्योंकि मालवा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार अच्छा था और आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे मालवा क्षेत्र में भी थी, तो इसलिए एक संदेश देने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने इस सीट को चुना। आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह देख सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी के लिए और जहां जहां पहुंच रहे हैं लोगों से जिस भाव से मिलते हैं, वो जो भी उनके करीब आता है उससे मिलते हैं, उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी कह ही चुके हैं कि असली आम आदमी वो हैं और इसीलिए आज भदौर विधानसभा क्षेत्र के अतरगढ़ गांव में पहुंचे हैं। चेहरा बनने के बाद यानी कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के बाद पहली बार भदौर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां चुनावी सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, अतरगढ़ भदौर।